संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में हो जाती है। संख्या क्या होगी? देखो 3:5, कल मैंने आपको बताया था 3:5, प्रत्येक में से 9 घटाया गया तो क्या हो गई 12:23। 12:23 दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। दोनों का डिफरेंस कितना है? 11। ध्यान दो, दोनों के डिफरेंस को इक्वल कर दो, दोनों के डिफरेंस के इक्वल को बताया था मैंने 11 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से, यहां 11 से, यहां 11 से, यहां 2 से, यहां 2 से, कितना हो गया ये 33, ये हो गया बेटा 24, ये हमारा 33, ये हो गया हमारा 24, ये हो गया हमारा 55, ये हो गया हमारा 46। देखना कितना कम हुआ, कितना कम हुआ माइनस का 9, देखना कितना कम हुआ माइनस का 9, ये भी माइनस का 9, ये भी माइनस का 9। क्या पूछा है? छोटी संख्या 33 और 55 में से कौन सी छोटी संख्या है? 33। आंसर 33। बोलो क्लियर? अमन, सपना यादव, प्रतीक श्रीवास्तव, 33। हाँ ध्यान दो, अनिल केसरवानी दोबारा समझो, अनिल केसरवानी, आकांक्षा दोबारा समझो बेटा। देखो लो मैं दोबारा रफ कर देके बता देता हूँ आपको, लो तीन अनुपात पांच के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में, सही है, 9 घटा दिया जाता तो 12:23, 12:23, एक घटाया कितना आया 2, घटाया कितना आया 11, दोनों को बराबर कर दो बेटा, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 11 से, यहाँ भी 11 से, यहाँ 2 से, यहाँ भी 2 से, ये हो गया 33 हमारा, ध्यान दो ये नंबर हो गया हमारा 55, ये नंबर हो गया 24 और ये हो गया हमारा 23:46। कितने की कमी आई? देखो कितने की कमी आई? 9 की। कितना घटा दिया हमने? 9। यहाँ कितने की कमी आई? 9 की। कितना घटा दिया? 9। आंसर तो छोटी संख्या पूछी है, 33 में और 55 में कौन सी छोटी है? 33। आंसर बोलो क्लियर? हाँ जी लजिता जी, क्लियर क्लियर, सुनील इच्छिर बचाओ बेटा, क्लियर अनिल के सवानी, क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत पूछा जाता है। एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेचा जाता है, तोड़कर बेचा जाता है तो उसे 4,620 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला? कि सोने का मूल्य उसके भार के, भारत नहीं है भार है, उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। सोने का जो मूल्य है ना, कॉस्ट ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर स्क्वेयर ऑफ इट्स वेट, स्क्वेयर ऑफ इट्स वेट, इट बीइंग सोल्ड आफ्टर ब्रेकिंग इन द रेशो, दिया है 4620 इज अर्न लेस द प्राइस ऑफ गोल्ड बिफोर ब्रेकिंग इज, सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेचा जाता है तो उसे 4,620 रुपए कम प्राप्त होते हैं, बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा, लिखना बंद कर दो। मैंने बोला सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, कि सोने का मूल्य यदि 1 ग्राम है, सोने का मूल्य यदि 1 ग्राम है तो उसका जो वेट कॉस्ट होगी ना, 1 का स्क्वायर 1, सोने का वेट है 2 ग्राम है तो उसका कॉस्ट क्या होगी? 2 का स्क्वायर 4, सोने का वेट यदि 3 ग्राम है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? 3 का स्क्वायर 9, सोने का वेट यदि 4 ग्राम है तो कॉस्ट क्या हुई? 4 का स्क्वायर 16, यदि 6 ग्राम है वेट सोने का तो कॉस्ट क्या होगी? 6 का स्क्वायर 36,
यदि वेट 10 यूनिट है तो कॉस्ट क्या होगी, 10 का स्क्वायर 100। आगे बात नहीं आई समझ में बेटा, ध्यान दो, सोने का जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो उसके भार के वर्ग के समानुपाती। मैंने बताया कि भार उसका 1 ग्राम है तो उसका कॉस्ट क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1। यदि भार 2 ग्राम है तो 2 का स्क्वायर 4। भार यदि 3 ग्राम है तो 3 का स्क्वायर 9। भार यदि 4 ग्राम है, 4 का स्क्वायर 16। ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3:2:1, 3:2:1। देखो 3 और 2 5 और 1 6। टोटल तोड़ने से पहले सोने का जो वेट है वो 6 यूनिट हो गया। तोड़ने से पहले सोने का वेट कितना हो गया, 6 का 6, और कीमत क्या हो गई, 6 का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर 36। अब तोड़ने के बाद टुकड़ों की कीमत निकालेंगे तो पहले टुकड़े की कीमत क्या हो गई, 3 का स्क्वायर 9। दूसरे टुकड़े की कीमत क्या हो गई, 2 का स्क्वायर 4। तीसरे टुकड़े की कीमत हो गई 1 का स्क्वायर 1। यानी कि कीमत 4 9 और 4 13 और 1 14। ये कीमत क्या रह गई, 14। पहले कीमत 36 थी, अब कितनी रह गई, 14। कितने की कमी आ गई, 22 की। और ये 22 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, ध्यान देंगे, 4620। 4620, 1 यूनिट की वैल्यू 210 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 210 × 210 मल्टीप्लाई करिए, 36 एकम 36, 36 72 और 3 7560। 7560, सी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल पारुल, तो देखने में क्वेश्चन कितना टफ था और वास्तव में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बोलो भैया अनिल कुमार, क्लियर? अनिल कुमार, लज्जिता, सपना, अजय प्रताप, सिसोदिया, अजय कुमार, अभिषेक यादव, सीमा विश्वकर्मा, सपना यादव, क्लियर? अक्षय, क्लियर? सीमा विश्वकर्मा, क्लियर? अमन शहरावत, क्लियर? क्लियर, दिल से क्लियर? पारोल, सत्यवीर जी, क्लियर? हाँ बोलो अभिषेक यादव, प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडर स्कोर मैसेज। प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडर स्कोर मैसेज। बोलो क्लियर? देखो नेक्स्ट, एक हीरा, देखना आप कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। उसका बड़ा भाई मान लो एक तरह से क्वेश्चन को। एक हीरा का मूल्य, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। भार के वर्ग के समानुपाती है। यदि अचानक हीरा 3:4:5 के अनुपात में टूट जाता है, यदि हीरा बराबर बराबर भागों में टूटा होता, यदि हीरा बराबर बराबर भागों में टूटा होता तो 1800 रुपये का नुकसान हो जाता। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा, देखो 3:4:5, 3:4:5 कीमत भार के वर्ग के समानुपाती, बिना टूटे हुए जो हीरे का जो मूल्य है, 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। 144। अब ध्यान देंगे, टूटने के बाद इस हीरे की कीमत क्या रहेगी, पहले टुकड़े की कीमत क्या होगी, 9। दूसरे टुकड़े की कीमत क्या होगी, 16। तीसरे की कीमत क्या होगी, 25। ये हमारी कीमत हो गई, और 25 16 9 25 25 कितनी होगी टोटल कीमत इसकी, ये 50। टोटल कीमत कितनी होगी, 50। ठीक है, यदि हीरा बराबर बराबर भागों में टूटा होता तो 1800 रुपये का नुकसान हो जाता हीरे का वास्तविक मूल्य। देखो 3:4:5 के अनुपात में टूटा, ध्यान दो बेटा, 3:4:5 के अनुपात में टूटा, यानी कि कितना वेट हो गया, 5 और 4 9 और 3 12, टोटल वेट 12 हो गया, तो कीमत क्या होगी, 12 का स्क्वायर यानी कि 144। 144। अब ध्यान देंगे यहां पर, इस टुकड़े की कीमत 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, यानी तोड़ने के बाद कीमत कितनी होगी, 16 9 25 और 25 50, ये कीमत 50 हो गई। अब हमें क्या बोला है कि हीरा बराबर बराबर भागों में टूटा होता, यानी कि 12 यूनिट उसका टोटल वेट है। 3 पार्ट में तोड़ दो, 4 4 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 16, 16 3 48। पहले कीमत कितनी थी, 50, अब कितनी रह गई, 48। कितने की कमी आई, 2 की। 2 2 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 1800 रुपये के बराबर, 2 यूनिट की वैल्यू।
एक यूनिट की वैल्यू 900 रुपए के बराबर, 144 गुणा 900, 1,29,600। हाँ भाई बोलो क्लियर, किसने भी पूछा था बेटा, क्लियर क्लियर क्लियर, दिल से क्लियर क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है बेटा। देखो ध्यान दो, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:7:9 के अनुपात में है। यदि सिक्के की कुल कीमत 430 रुपये हो, सिक्कों की कुल कीमत 430 रुपये हो, तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी, बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देंगे। पहली बात तो इंपॉर्टेंट है बड़ी, कि देखो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, ध्यान देना बेटा, एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के किस रेशो में, 5:7:9, 5:7:9, ये 5:7:9 कीमत कितनी है, 430 रुपये। तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या, यानी अलग अलग पूछी है, कुल नहीं अलग अलग संख्या क्या होगी। देखो बेटा, सबसे कम सिक्के बेटा 1 रुपए के हैं, 1 रुपए के सिक्के सबसे कम, 50 पैसे के सिक्के उससे ज्यादा, और 25 पैसे के सिक्के सबसे ज्यादा। 1 रुपए के सिक्के क्या है, सबसे कम है, 50 पैसे के सिक्के उससे ज्यादा है, और 25 पैसे के सिक्के सबसे ज्यादा है। तो जो आंसर होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जो आंसर होगा वो हमारा किस ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में होगा। तो 280, 200, 360 नहीं है, 200, 280, 360 बढ़ते हुए, सबसे कम 1 रुपए के सिक्के हैं, उससे ज्यादा 50 पैसे के, उससे ज्यादा 25 पैसे के, ये भी हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक ही आंसर है जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल पारुल, बिल्कुल सीमा विश्वकर्मा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना है आपको। अब बेटा इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें ध्यान देंगे कि 1 रुपए में, 1 रुपए के एक सिक्के की वैल्यू क्या होती है, जानते हैं आप 1 रुपए के एक सिक्के की वैल्यू क्या होती है। ऑप्शन से समझ में आ गया क्वेश्चन, ऑप्शन से जो मैंने किया है, ऑप्शन से समझ में आ गया सबके भैया, सबसे कम सिक्के 1 रुपए के, सबसे कम 1 रुपए के, उससे ज्यादा 50 पैसे के, 50 पैसे के, सबसे ज्यादा 25 पैसे के, 25 पैसे के, यानी कि आंसर बढ़ते हुए क्रम में होगा। 1 रुपए के एक सिक्के की वैल्यू, उसी क्रम में आएगा, बिल्कुल 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 अमन सहरावत, उसी क्रम में आएगा 1 रुपए के एक सिक्के की वैल्यू, अमन बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, उसी ऑर्डर में आएगा। 1 रुपए के एक सिक्के की वैल्यू क्या होगी बताइए जरा, 1 रुपए के एक सिक्के की वैल्यू बेटा 1 रुपया होती है, ध्यान रखना, 1 रुपए के एक सिक्के की वैल्यू 1 रुपया होती है, 50 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू, 50 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू, ध्यान देना, 1/2 रुपए होती है, 1/2 रुपए होती है, 25 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू, ध्यान रखना मेरी बात, 25 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू 1/4 रुपए होती है, 20 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू 1/5 रुपया होती है, यदि मैं कहूँ 10 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू 1/10 रुपए होती है, यानी कि हमेशा रुपीज में कन्वर्ट करते हैं और लिस्ट सबसे कम रुपया 1 रुपया होता है। तो 1 रुपए का एक सिक्का है बेटा, 1 रुपए का एक सिक्का है, तो 5 सिक्के होते तो कितनी वैल्यू होगी, 5 रुपए, 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, 5 रुपए हो गए, 7 सिक्के हैं 50 पैसे के, 50 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू आधा रुपया, तो कितनी होगी कीमत, 7/2, 25 पैसे के, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 9, और 25 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू 1/4, यानी कि 9/4, ये हमारी कीमत आ गई रुपए में, ये किसके बराबर दी हमें, 430 रुपया, 430। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4 4 5 20, 2 2 4 2 7 14 प्लस 4 1 4 9, कितना है, 430, 430, 20 और 14 34 9 43, 43/4 बराबर कितना आएगा, 430,
430, ये कट गया कितने पे, 10 पे। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 40 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू 40 गुणा 40 गुणा 40 गुणा 40, 360, 280, 200। आंसर 200, 280, 360, 200, 280, 360। पहले मैंने ऑप्शन से किया, अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया बेटा मैंने आपको। बोलो क्लियर। हाँ भाई क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, देखो एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। अब उल्टा क्वेश्चन आ गया, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं, सिक्कों की कीमत का अनुपात दिया है, सिक्कों की कीमत का अनुपात दिया है, तो बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। पहले क्या दिया था हमें, हमें पहले दिया था सिक्कों की कीमत दे रखी थी, सिक्कों की कीमत दे रखी थी, देखिए पिछले क्वेश्चन में सिक्कों की कीमत दे रखी थी 430 रुपए, और ये नंबर ऑफ कॉइन का रेशो दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। और अब हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें क्या दिया ध्यान देंगे, यहाँ पे सिक्कों की कीमत का अनुपात दिया है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिए 378, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी ये पूछा है। देखो बेटा बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा आपको मैं, 13:11:7, 50 पैसे के जो सिक्के होंगे ना वो 11 का मल्टीपल होंगे, 50 पैसे के जो सिक्के होंगे बेटा वो 11 का मल्टीपल होंगे, और 11 का कितने हैं मल्टीपल, 11 से करने वाली कितनी संख्या है, एक ही है, 132। आंसर 13:11:7, 50 पैसे के सिक्के का अनुपात ये दे दिया हमें, कीमत का अनुपात। तो जो भी आंसर होगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आएगी 11 का मल्टीपल होगी, और 11 के कितने मल्टीपल है, एक ही है बस। पहला आंसर ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र है सर ये, तो देखो बड़ी मजेदार चीज है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 13 रुपए में कीमत का अनुपात है ना, 13 रुपए हैं आपके पास, 1-1 रुपए के सिक्के हैं सारे, कितने सिक्के होंगे बताओ, 13 रुपए में 1-1 रुपए के कितने सिक्के होंगे बताइए जरा, 13। बिल्कुल सही अमन, 13। 11 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे बताइए, 22 सिक्के होंगे अमन। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं अमन, तो 11 रुपए में 50 पैसे के 22 सिक्के होंगे, ये हमें कीमत दे रखी है, कीमत। हाँ तो आंसर 6 का मल्टीपल होता, बिल्कुल। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 25 पैसे की कीमत का अनुपात 7 रुपया दिया है, 7 रुपए में 25 पैसे के 28 सिक्के, 28, 28 और 22, 30 और 13, 28 और 22, 50 और 13, 63, यानी कि हमें टोटल सिक्के दिए 378, 378 को 63 जगह बांट दो, 1:6, 22:132, 132। आंसर 132। बोलो क्लियर सभी बच्चे, बताइए अनिल, अनिल जी क्लियर, जसवंत, अंशुल, सीमा, लज्जिता, क्लियर। वाह सर मजा आ गया, पूरा मजा दिलवाते हैं हम आपको, चिंता क्यों करते हो। अगला क्वेश्चन बताएं, गजब गुरुजी गजब। लो अगला देखो, एक बैग में 5 पैसे 20 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में है। ओहो हो क्या क्वेश्चन आ गया, समान संख्या में है, सिक्कों की कुल कीमत 40 रुपए है, तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। यदि सिक्कों की संख्या बराबर है, सिक्कों की संख्या समान है, तो जो आंसर होगा वो टोटल वैल्यू का मल्टीपल ही होगा। नोट कर लो इस बात को, कि सिक्कों की संख्या बराबर है, सिक्कों की संख्या समान है, तो
जो आंसर होगा वो टोटल वैल्यू का मल्टीपल होगा। टोटल वैल्यू कितनी है? 40। 40 के कितने मल्टीपल है? एक ही है बस, 40 आंसर। हेलो मनु चौधरी, हेलो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यदि सिक्कों की संख्या हमें बराबर दे रखी है तो जो आंसर होगा वो टोटल वैल्यू का मल्टीपल ही होगा बेटा। तो टोटल वैल्यू 40 रुपए, 40 के कितने मल्टीपल है? एक ही है बस, कौन सा आंसर? अब यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो सॉल्व भी कर देते हैं। देखो दो तरीके हैं, सारे सिक्के हमारे पास बराबर है, सिक्कों की संख्या समान है, यानी कि एक्स, चार तरह के सिक्के हैं, एक्स 5 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू 1/20 रुपया, एक्स बट्टे 20 रुपया, 20 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू 1/5 रुपया, एक्स बट्टे 5 रुपया हुई एक सिक्के की कीमत, 25 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू 1/4 यानी एक्स बट्टे 4, 50 पैसे की 1/2, ये सब जोड़ के कितना आना चाहिए हमारे पास? 40। 40 एलसीएम 100, 20 पंजे 100, नहीं वैसे क्यों ले रहे 100, 20 भी आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा, 20 एक्स, 5 चौक 20 4x, 4 पंजे 20 5x, 2 से 10x बराबर 40, 10 और 5 15 4 19 और 1 20, 20x/20 बराबर 40, 20 से 20 कट गया, x बराबर 40, 40 सिक्के हो गए। बोलो मोहम्मद सोहेल, क्लियर? इसका एक शॉर्टकट भी है मेरे पास, ये सब जानने को इच्छुक है तो। इसका एक शॉर्टकट भी है बेटा मेरे पास, कैसे? ध्यान दो, ये है बेटा, टोटल वैल्यू कितनी है? 40। इस 40 रुपए को एक एक सिक्के की सबकी वैल्यू जोड़कर डिवाइड कर दो, 5, 20, 25, 50, ये पैसे आ गए हमारे पैसे, 20 और 50 और 25, 75 और 20, 55, 100, 100 पैसे में 1 रुपया होता है, 40/1 बराबर 40 आंसर, एक लाइन में खत्म, एक लाइन में खत्म। लज्जिता, जितना भी हमें अमाउंट दिया है उसको एक एक सिक्के की वैल्यू को जोड़कर डिवाइड कर दो। हाँ बोलो, क्लियर? सभी बच्चे बोलो बेटा दिल से, क्लियर? क्लियर सर। नेक्स्ट, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:6:7 के अनुपात में है, यदि इनमें कुल राशि 390 रुपये है, कुल राशि 390 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? बहुत गजब क्वेश्चन। देखो एक रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के 5:6:7 के अनुपात में है, 25 पैसे के सिक्के पूछे हैं, कितने सिक्के हैं? 7। आंसर 7 का मल्टीपल होगा, 25 पैसे के सिक्के पूछे हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या दे रखी है हमें? 7 रेशो दे रखी है, 7 आंसर जो होगा 7 का मल्टीपल ही होगा। अब सॉल्व करते हैं, 5 सिक्के 1 रुपए के कितनी वैल्यू होगी? 5। 6 सिक्के 50 पैसे के कितनी वैल्यू होगी? 3 रुपया। 7 सिक्के 25 पैसे के कितनी वैल्यू होगी? 7/4। ये सब मिला के कितना हुआ? 390। 390, 5 और 3 8, 8 6 32 7 39, 390, 10, 1 रेशो की वैल्यू 40 गुणा 40
गुणा 40 गुणा 40, ये हो जाएगा 200, ये 240, ये 280। तो हमें 280 पूछा गया था, 25 पैसे के सिक्के पूछे गए थे। बोलो बेटा क्लियर, सभी बच्चे बोलो एक बार। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के, जिनके मानों का अनुपात 2:3:4, कीमत कॉस्ट का रेशो 2:3:4 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 480 है तो पूरी राशि का मान क्या होगा रुपयों में, पूरी राशि का मान रुपयों में क्या होगा? ध्यान देंगे भैया कैसे लगाएंगे आंसर। पूरी राशि का मान 4 और 3 7 और 2 9, पूरी टोटल राशि हो गई 9 यूनिट, तो आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। पूरी राशि हो गई 9 यूनिट, 4 और 3 7 और 2 9, तो आंसर 9 का मल्टीपल हो गया। 9 के कितने मल्टीपल है? एक ही है बस, 180। पूरी राशि कितनी होगी देखो, 4 और 3 7 और 2 9, 9 के कितने मल्टीपल है? एक, 180। अब सॉल्व करते हैं, देखो 2 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 2। 50 पैसे में 3 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 6। 4 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4 चौक 16, 16 और 6 22 और 2 24, यानी कि 2480 को 2224 जगह बांट दो, 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो ध्यान देंगे 2 और 3 4 और 5 9, टोटल राशि 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 180। आंसर आंसर 735 राशि, 735 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि इनमें से प्रत्येक 25 रुपए कम मिलते तो इनके हिस्सों का अनुपात 1:3:2 हो जाता, तो सी के द्वारा प्राप्त राशि है। ध्यान दो 735, प्रत्येक को 25 25 25 रुपए कम मिलते, 25 या 75, 75 रुपए कम हो गए, 660। और अब क्या हो गया? एबीसी का रेशो, ए रेशो बी रेशो सी का रेशो हो गया 1:3:2, 3 और 2 5 और 1 6, 6 जगह बांट दो, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 110। 110, 2 रेशो की वैल्यू 220 रुपए, 220 रुपए। अब कितने रुपए प्रत्येक में? 25 रुपए, आप इसमें 2500 जोड़ दो, इसमें 2500 जोड़ दो, बस 25 रुपए कम किए थे ना, ये 25 रुपए कम किए थे, तो क्या हो गया? 245, 245। दोबारा समझो, देखो 735 रुपए हमें बांटने एबीसी में, सही है। अब इसने क्या बोला, यदि प्रत्येक को 25 25 25 रुपए कम मिलते, यानी कि प्रत्येक को 25 रुपए कम मिलेंगे तो 25 या 75 रुपए कम हो गए ना, तो 735 में से पहले 75 माइनस कर दो, 660 बांटने हैं अब। और इसके बाद रेशो क्या बचेगा? 2:3:1:3:2 के अनुपात में रेशो बचा 1:3:2। अब ये हमारा 1:3:2, यानी कि ये जो राशि है हमारी 660 रुपए, वो 1:3:2 के अनुपात में बटनी है, 1 और 3 4 और 2 6, 6 जगह बांट दो 660 को, 1 रेशो की वैल्यू 110, 2 रेशो की वैल्यू 220, यानी कि बाद में इसको 220 रुपए मिले 660 में से, और कितने कम किए थे हमने? 25, 25 इसके में और जोड़ दो, 245 पहले मिलते इसको, क्योंकि पहले वाला पूछा है अमन, जब भी पूछेगा ये पहले वाला ही पूछेगा अमन हमेशा ही, 25 रुपए कम किए थे ना तीनों के हिस्से में, 75 रुपए कम किए थे, तो 25 हमने इसमें और जोड़ दिए, इसके निकालने होते हमें तो 330 प्लस 25, इसके निकालने होते तो हमारे 110 प्लस 25 135। बोलो क्लियर। चलो अगला देखते हैं, देखो बड़ा गजब क्वेश्चन। 2430 रुपए की राशि को पी क्यू तथा एफ के बीच बांटी जाती है, यदि इनके हिस्से क्रम से 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए कम कर दिए जाएं तो शेष राशि 3:4:5 के अनुपात में हो जाएगी। देखो 2430, ठीक है, 5 10 15, 5 और 10 15 और 15 30, 30 रुपए कम कर दो, यानी 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए कम कर दिए, 30 रुपए हुआ टोटल, कितने बचे? 2400। अब ये रेशो क्या रह गया? 3:4:5, 5 और 4 9 और 3 12 जगह बांट दो, 1 रेशो की वैल्यू 200, 200 क्योंकि पूछी है, ये पी है
ये क्यू है, ये एस है, हमें क्यू भी निकालनी है, गुणा 200, 800, और कितनी राशि कम की थी हमने बी की, 10 रुपये, 10 रुपये कम की थी, 100 जोड़ दो, 810, 810, बोलो क्लियर। तो बेटा मैं आज इतना ही कराऊंगा आपको, थोड़ा सा आज मुझे जरूरी है, 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा जरूरी काम है कोई, आज 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ मैं। थैंक यू, धन्यवाद।